नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और आज न्यूज चक्र में हम दो मुद्दे आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मुद्दा नंबर एक, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं, क्या अब भारतीय जनता पार्टी को राहुल को हिंदू विरोधी बताना बंद कर देना चाहिए? मुद्दा नंबर दो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जी हां, जो 1 जुलाई से लागू हो गया है, उसमें एक धारा है जिसका नाम है 172, और वो धारा 172 पुलिस को दे रही है असीमित शक्तियां। क्या इससे भारत में पुलिस राज आ जाएगा? इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान याद कीजिए। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, और इसे मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा दोस्तों वो मंजर क्या था, और उसके बाद से ही राहुल गांधी के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार, और अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सदन के अंदर राहुल गांधी का पूरा बयान देखा, और वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। बड़ा सवाल, हिंदू धर्म को एक शंकराचार्य बेहतर तरीके से जानते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? या अब शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी बताया जाएगा, धर्म विरोधी बताया जाएगा, कांग्रेस का गुलाम बताया जाएगा? मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि दरअसल शंकराचार्य ने कहा क्या, और कुछ देर बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि राहुल गांधी ने कहा क्या था जिसको लेकर इतना बवाल हुआ था, और आप ये खुद फैसला कीजिए कि क्या वाकई राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया था। सुनते हैं शंकराचार्य ने क्या कहा था, सुनते हैं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा, और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है, उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो, तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई। और याद कीजिए दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी का बयान आता है गोदी मीडिया उनके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर देता है। गोदी मीडिया ने क्या कहा था कुछ देर बाद, मगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है दोस्तों शंकराचार्य के इस बयान पर। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा का बयान आपके स्क्रीन पर। पवन खेरा कहते हैं, बेचारे रिपोर्टर को मालिकों ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से राहुल गांधी के विरुद्ध बाइट लाने भेजा। बेचारे मालिकों को उनके मालिक का आदेश हुआ था। स्वामी जी ने उल्टा यह कह दिया कि जो राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़कर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अब बताओ बेचारे दंडाधिकारी को कौन दंडित करेगा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो स्वामी हैं, याद कीजिएगा दोस्तों, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है धर्म के विरुद्ध है। लगातार दिल की बात सच्चाई से शंकराचार्य कहते रहे हैं, और हमेशा से ही ये भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे, और अब उन्होंने साफ गोही से यह बात कह दी। आपको याद है सदन के अंदर किस तरह का ड्रामा हुआ था, राहुल गांधी ने क्या कहा था, उसे तोड़ मरोड़कर किसी और ने नहीं स्वयं प्रधानमंत्री ने पेश किया था, और राहुल गांधी ने उस पर किस तरह का स्पष्टीकरण दिया था, उस मंजर को दोबारा देखते हैं। ये देश डर का देश नहीं है, तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत,
डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी का जब वो बयान आया था उसके बाद गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ किस तरह का जहर उगला था, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। नेता विपक्ष राहुल गांधी का वो भाषण जिसे सुनकर माथा पीट लेंगे, शिव की ढाल लेकर 100 करोड़ हिंदुओं का प्रहार, राहुल ने हिंदुओं को हिंसक क्यों कहा, हिंदुत्व से अनजान राहुल अज्ञान, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वसुदेव कुटुंबकम हिंदू हैं हम, 99 का अहंकार हिंदुओं पर प्रहार। देखा आपने किस तरह का जहर उगला गया था राहुल गांधी के खिलाफ। बड़ा प्रश्न, अब जबकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना अपराध है, उन्हें दंडित किया जाए, अब इन न्यूज चैनल्स का क्या किया जाए बताइए ना, ये सवाल उठेगा ना दोस्तों, इससे कैसे हम बच सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आने वाले 3 महीनों में, एक नहीं तीन तीन राज्यों में चुनाव है, तीनों अहम राज्य हैं महाराष्ट्र हरियाणा झारखंड, एक के बाद एक चुनाव है, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है। राहुल गांधी महाराष्ट्र की पंढरपुर धार्मिक जुलूस में शिरकत कर रहे हैं 13 और 14 जुलाई को, स्वाभाविक सी बात है इसको लेकर भी भाजपा लगातार हमलावर हो रही है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म का विरोधी है वो इस धार्मिक जुलूस में कैसे शिरकत कर सकता है, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, हर लम्हे हर एक दाव का इस्तेमाल भाजपा कर रही है राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। सीधा सा सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो टिप्पणी की है जो बयान दिया है इसके बारे में आखिर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, अगर धर्म पर तर्क हो तो इस तर्क का क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो बहुत अहम बात उन्होंने कर दी है ना, इसका जवाब भी दिया जाए। बहरहाल दोस्तों, न्यूज चक्र में जो मैं दूसरा मुद्दा लेकर आया हूं वो है धारा 172। क्या ये धारा 172 पुलिस को असीमित शक्तियां दे रही है, ये मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों, दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर छपे इस लेख पर गौर कीजिए दोस्तों। ये लेख कहता है नया प्रावधान नहीं बहस, पुलिस पावर का नया नाम 172 सिर्फ बात ना मानने पर हिरासत में लिया जा सकता है। खबर क्या कहती है, पुलिस की बात की अनदेखी भी की तो 24 घंटे बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आपको हिरासत में रखा जा सकता है, बिना कारण हिरासत में लेने की इस शक्ति का विरोध किया जा रहा है। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों 1 जुलाई से BNSS लागू हो गया है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसमें एक धारा 172 भी है। यह जो 172 है पुलिस को असीमित शक्तियां दे रहा है। अब ये जो असीमित शक्तियां हैं इसको लेकर बहस शुरू हो गई है, इसमें 2 तरह के तर्क सामने उभर कर आ रहे हैं, मगर पुलिस को क्या असीमित शक्तियां मिली हैं उस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। दैनिक भास्कर क्या कहता है, बहस का एक पहलू यह है कि यह धारा उन लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देती है जो पुलिस अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन नहीं करते। कानून के कुछ जानकार इस धारा के विरोध में हैं, इनका कहना है कि इससे पुलिस राज शुरू हो जाएगा, यह ठीक वैसा ही है जैसा किसी छोटे बच्चों के हाथ में जानलेवा हथियार दे देना, वो बगैर सोचे समझे इसे किसी पर भी चला सकते हैं,
हालांकि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर इसके पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि यह धारा धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बात न मानने के खिलाफ कारगर हथियार साबित होगी। आखिरी पंक्ति पर गौर करें, हालांकि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर इसके पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि यह धारा धरने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बात न मानने के खिलाफ कारगर हथियार साबित होगी। क्या धरना और प्रदर्शन अपराध है? क्या इसके जरिए किसान आंदोलन हो, या जब महिला पहलवान संघर्ष कर रहे हों, या शाहीन बाग में लोग जब संघर्ष कर रहे हों, क्या ये सब उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा? इस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों, और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये जो धारा 172 है, इस पर गंभीर बहस होने की जरूरत है, क्योंकि ये पुलिस को असीमित शक्तियां दे रहा है धरने प्रदर्शन के दौरान। शांतिपूर्ण अहिंसक धरना प्रदर्शन इस देश का अधिकार है, और हमने देखा है पुलिस का पक्षपात कैसे रहता है। अभी हाल ही में सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, उन्होंने जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर टिप्पणी की थी। कितनी आसानी से FIR दर्ज हो गई, क्यों? क्योंकि महुआ मोइत्रा TMC की हैं, जबकि रेखा शर्मा खुद कई अभद्र टिप्पणियां करती रही हैं अतीत में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई होगी। कहने का अर्थ यह है कि पुलिस ने अक्सर पक्षपाती रवैया दिखाया है, ऐसे में अगर उनके हाथ में एक ऐसी धारा आ जाएगी जो उसे असीमित शक्तियां दे रही है, तो उस पर बहस होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग राय इस पर क्या आ रही है। सबसे पहले ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि पूर्व DGP है मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा? नए कानूनों के लागू होने का अर्थ यह नहीं है कि अब कोई बदलाव नहीं होगा। किसी धारा में विरोधाभास है या कानून अड़चन है, तो उसमें अभी बदलाव होंगे। किसी धारा की कमियां तभी सामने आएंगी जब उनमें केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होंगे। IPC CRPC में भी संशोधन होते रहे हैं। आपने ऋषि कुमार शुक्ल के तर्क को देखा होगा, वो कह रहे हैं कि भाई कानून में तो बदलाव होगा, मगर जो कानून इस वक्त सामने है उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो कानून जो पुलिस को असीमित शक्तियां दे रहा है, वो पुलिस जिसका पक्षपात हम लगातार देखते रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन, शाहीन बाग हो, या उसके बाद अलग अलग जो राजनेता हैं उनके प्रति उनका जो बर्ताव है, अब इसके खिलाफ क्या कहा जा रहा है दोस्तों, उस पर भी गौर कीजिएगा। मनोज शर्मा है वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर हाईकोर्ट, उनका बयान, ये बच्चे को हथियार थमाना जैसा है। अधिकार की आड़ में पुलिस इसका दुरुपयोग भी करेगी। कौन तय करेगा कि अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश लॉफुल था या नहीं? CRPC की धारा 151 में कम से कम आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जवाबदेही तो थी, इसमें तो उसकी भी जरूरत नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसा किसी बच्चे के हाथ में जानलेवा हथियार थमा देना। वो बगैर विवेक का इस्तेमाल किए किसी और पर भी चला देगा। इसका चेक एंड बैलेंस जरूरी है। आप बताइए दोस्तों, क्या इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये धाराएं अपने आप में बहुत गंभीर हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर गौर करने की बहुत जरूरत है। मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा दोस्तों, शिरीष श्रीवास्तव हैं जो कि अधिवक्ता हैं भोपाल के, वो खुद कह रहे हैं कि इसके दुरुपयोग की आशंका बनी हुई है। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, कोई पुलिस अधिकारी न्यायोचित तरीके से यदि धारा 172 की शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो इससे कानून व्यवस्था बनाने में बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 172 के तहत मिले अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार के उल्लंघन की संभावना बनी हुई है। अब आपको भारतीय संविधान, जो आपको आर्टिकल 21 के तहत मूलभूत स्वतंत्रता की आजादी देता है, उस पर आप गौर कीजिए और फिर आप धारा 172 पर गौर कीजिए। अगर हम दोनों धाराओं को आमने सामने रखते हैं तो साफ तौर पर ये धाराएं एक दूसरे से जंग करती दिखाई देती हैं। हम सबके बुनियादी अधिकारों को निश्चित कराता है आर्टिकल 21, और धारा 172 पुलिस को असीमित अधिकार देता है, यानी कि दोनों में साफ तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन।
दिखाई दे रहा है। यानी कि जब अदालत में से चुनौती दी जाएगी तो आर्टिकल 21 एक बहुत अहम पहलू होने वाला है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बुनियादी बात आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। पुलिस ने हमेशा से ही यह साबित किया है कि वो सत्ता पक्ष के अनुरूप काम करती नजर आई, और यह बात सिर्फ 2014 की बात की नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखें कांग्रेस की सरकारों में भी पुलिस ने अक्सर जो है विपक्ष पर ही निशाना साधा है, मगर 2014 के बाद, खासतौर से 2019 के बाद से, जब से किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ, तब से इसका बेजा इस्तेमाल हुआ है। पुलिस जो है वो पक्षपाती रवैया दिखाती रही है और इसे हम नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज की तारीख में धारा 172 पर बहस हो रही है और उस पर चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। आप जो मेरे दर्शक हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।